Hi everyone, so we are back with another video, and in this video I am going to talk about perfect continuous tense. So हम समझेंगे कि perfect continuous tense के क्या क्या rules हैं, कहाँ पे use करना चाहिए, examples क्या हैं, so that you can practice more examples. And I hope आप पिछले 3 tenses या फिर bifurcations की अगर मैं बात करूँ तो 9 tenses की अच्छे से practice कर चुके हैं and उसके rules आपको अच्छे से याद हो गए हैं. इन tenses को आपको दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि इनके context क्या है, इनके एक्सेप्शंस क्या है, इनके रूल्स क्या है, सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, सो दैट यू कैन स्पीक इजीली, कि आपको बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना पड़ रहा है टू स्पीक इंग्लिश. इट शुड कम आउट नेचुरली. तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है. बिफोर वॉकिंग थ्रू द मेन कंटेंट, आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. We will understand 3 scenarios under perfect continuous tense. So perfect continuous tense में present की अगर मैं बात करती हूँ, so it is has या have plus been plus verb की 5th form और 1st form plus ing plus since या for. So verb की 5th form is basically verb की 1st form plus ing. कहीं कहीं पे different mentioned है verb की forms जो अगर मैं बात करूँ तो like verb की 4th form को बोला गया ing form होती है या दूसरी form को बोला गया ing form होती है. But that's okay. What you have to remember is verb की 1st form plus ing यहाँ पे वही use होगा. जहाँ पे आपको continuous दिख जाए वहाँ पे समझ जाओ कि ing वाला verb आना है. जहाँ पे आपको perfect दिख जाए वहां पे समझ जाओ कि हैज या हैव का यूज होना है या हैड का यूज होना है. प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होगी. सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की 5th फॉर्म प्लस सिंस या फॉर. क्योंकि यहाँ पे रहा रही है ही होता है सेंटेंस में, दैट इज वाई वी आर यूजिंग वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी. अगर यहाँ पे चुका चुके होता देन वी वुड हैव यूज्ड वर्ब की 3rd फॉर्म. बट रूल्स आर कि हम 5th फॉर्म का यूज करेंगे, आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे. सो अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो. हमारा कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है? आई हैव मेंशन्ड. सिंस या फॉर हर केस में रहेगा. प्रेजेंट में होगा हमारा हैज या हैव आएगा, पास्ट में हैड आएगा, एंड फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव प्लस बीन आएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट? हैज हैव इन प्रेजेंट, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर में विल शैल हैव. तो ये चीजें आप ध्यान रखिए. 12 टेंसेस के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं. एंड आई होप मैं इतनी बार आपको ये चार्ट दिखा चुकी हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड दिमाग में बैठ चुका है. ये नहीं बैठा है तो ये दोबारा देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए. वर्ब की 1st फॉर्म यूज होती है हमारी सिंपल टेंस में. एस या एस किसके साथ लगता है? यू विल टेल मी. एंड देन कम्स वर्ब की 2nd फॉर्म, हमारे पास्ट फॉर्म में यूज होता है. अगर डिड है तो वहां पे भी अगेन वर्ब की 1st फॉर्म होगा. आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, आई डिड नॉट गेट इट, राइट? इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बताएंगे. विल या शैल प्लस वर्ब की 1st फॉर्म फ्यूचर में यूज होती है. देन कम्स प्रोग्रेसिव टेंस. यहाँ पे हमारा वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है हमेशा. प्रेजेंट में इज एम आर रहता है, पास्ट में वाज वर हो जाता है, फ्यूचर में विल बी और शैल भी हो जाता है. इज एम आर किस किस के साथ आता है? ही शी इट के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, एंड आर किसके साथ आता है? वी यू और दे के साथ में आता है. वेरी गुड. एंड यू आर एक्चुअली अमेजिंग स्टूडेंट्स, आई वुड से, बिकॉज यू अंडरस्टैंड रियली वेल एंड इतने ध्यान से डेडिकेशन के साथ में आप लोग पढ़ते हैं. वॉज जो होता है हमारा वो ही शी इट के साथ, और ही शी इट के साथ में वॉज आता है. वर हमारा आता है आई वी यू दे के साथ में, एंड देन विल बी और शैल बी. फॉर फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज या हैव आता है, वर्ब की 3rd फॉर्म ही रहती है हमेशा. यहाँ पे पास्ट में हैड हो जाएगा एंड फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव हो जाएगा. परफेक्ट प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, हैज हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में होता है, एंड सिंस फॉर हमेशा रहेगा. वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा रहेगा, बीन हमेशा रहेगा. वेरी गुड. सो मूविंग फॉरवर्ड टू एक बारी देखने के लिए कि हिंदी चार्ट में क्या है हमारा. ता है, ती है, ते है. Is present indefinite. गा गे गी is future. आ ई ये या था ता था ती थे is basically past simple tense. And then continuous में रहा रही रहे, and perfect में चुका चुकी चुके, and perfect continuous में time mention होगा रहा रही रहे के साथ में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या हैं? सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल होता है हमारा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की 1st फॉर्म एंड आईएनजी एंड सिंस या फॉर. वेरी गुड. सिचुएशन नंबर 1, to show that something started in the past and has continued up till until now, for 5 minutes, for 2 weeks, since Tuesday. So अगर एकदम exact moment की बात हो रही है तो हम since का use करते हैं, अगर एक period of time की बात हो रही है तो हम for का use करते हैं. So इसे हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे since 1998, I've been waiting here since Tuesday, right? I've been waiting for him since 1 PM. ठीक है, अगर एक period of time है, that is for example, I waited for him there for 10 minutes. He still did not show up, right? तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं since या for के साथ में. The next is with first person, second person and third person. Plural subjects always use have been plus participle. First, second, third person अगर plural subjects है तो वहाँ पे have been आएगा आपके verb के साथ में. The third situation is in case of third person singular subject use has been plus participle. So verb की जो first form plus ing आ रही है plus उसके साथ में क्या आएगा, has been आएगा अगर third person singular है. ठीक है, पिछले वाले का example है I have been talking to my friend, इस वाले का example है she has been sleeping since morning. तो has been आया है यहाँ पे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं. सो जैसा कि पता चल रहा है यहाँ पे ये रूल क्या होगा अब आप बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस या फॉर. मेरे साथ रिपीट करते रहिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे. द सिचुएशंस आर इट शोज एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट बिफोर अ सर्टेन पॉइंट एंड हैज आल्सो कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट से पहले एंड अब भी जो है कंटिन्यू हुआ है टू दैट टाइम. ठीक है, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ. रूल्स है यहाँ पे, रिमेम्बर दैट विद ऑल पर्सन यू मस्ट यूज हैड बीन प्लस पार्टिसिपल. पास्ट में जैसे कि हमने परफेक्ट में भी पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि हैड ही यूज होगा सारे पर्सन के साथ में, वैसे ही यहाँ पे भी हैड बीन यूज होगा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में. आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, या फिर आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 hours, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं. इसका रूल आप लोग मुझे बताएंगे. सी विल हैव, शैल हैव, बीन आ जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस या फॉर. For an action that will be in progress over a period of time and will continue in future, के एक particular period of time के लिए progress में होगा and आगे future में continue होगा. By next March we shall have been studying here for 1 year. By next March we shall have been studying here for 1 year. कि next March, जब next year का March आएगा तब तक हमें 1 साल हो जाएगा यहाँ पे पढ़ते पढ़ते. रूल क्या है, रूल है विथ फर्स्ट पर्सन ऑलवेज यूज शैल हैव बीन. फर्स्ट पर्सन जो होगा आई होगा तो उस केस में आप शैल हैव बीन यूज करेंगे. सेकंड या थर्ड पर्सन ही शी इट अगर आ जाता है तो आप विल हैव बीन यूज करेंगे. दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑन मंडे इवनिंग, की मंडे इवनिंग में वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. So this is it guys, you can connect with me on Instagram and Facebook. मेरे पेज का नाम है Learn English with Ankur. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया है. Let's end this video with a positive note, which is you are exactly where you need to be. ठीक है, आप जहाँ पे है it is the exact place where you need to be. You should work hard to get whatever is your destination. ठीक है, आप ये सब मत सोचिए कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, आई शुड हैव बीन देयर, मेरे को अब तक ये कर लेना चाहिए था, वो कर ले. देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग, राइट? तो रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है. जस्ट कीप गोइंग ऑन, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग. आई कीप सेइंग दैट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेटल डाउन मत होइए, हमेशा हसल करते रहिए, हमेशा अपने अंदर एक एनर्जी बना के रखिए. ठीक है, I never feel tired अगर मैं अपने बारे में ही बात करूँ तो. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इसमें आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो. ऑलराइट, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना आप वीडियो की अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए. वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद एन अमेजिंग टॉपिक एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.